हेलो दोस्तों, दिस इज़ पुनीत गुप्ता एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल गबरू ब्लॉगर्स में। और मैं हूं पुनीत गुप्ता एंड दिस इज़ भैसा, मैं अंकित गुप्ता। और आज हम जा रहे हैं बर्फ़ी वाला बेसिकली पीरागढ़ी में एक शॉप है जो समोसे और लस्सी की फेमस है, और जो उसकी लस्सी है वो काफ़ी गाढ़ी होती है और वहाँ की बर्फ़ी भी काफ़ी फेमस है। और उसका जो मेन ब्रांच है वो मुंडका में है, और उसका एक जो दूसरा ब्रांच है छोटा ब्रांच वो है पीरागढ़ी विलेज में, और हम आज वहीं पर जाने वाले हैं। बाकी वहाँ पे हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे, और अंकित जी कुछ बताएंगे जो उनको अच्छा लगता है कुछ बताएंगे सब। हाँ, मैं मुंडका वाली ब्रांच में जाऊँ खाने के बाद। मेरे को मतलब मैं जा रहा था तो मेरा दोस्त बोल रहा था एक बार यहाँ चलते हैं, और चला तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा। और इस बार हम दूसरे वाली ब्रांच में जाएंगे, मुंडका वाली ब्रांच में जाएंगे, पीरागढ़ी वाली ब्रांच में जाएंगे, और आप सबको दिखाएंगे उसका समोसे की क्वालिटी कैसे है, उसकी लस्सी की क्वालिटी कैसे है। बाकी अब हम चलते हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बर्फी वाला, और ये हमारे दोस्त हैं एज़ यूज़ुअल, दोबारा से हमारे साथ आ गए। और बर्फी वाला हम पीरागढ़ी पे आ गए हैं, और अब वहाँ से अब लस्सी लेते हैं और समोसे लेते हैं, और आप और एक बर्फी भी। बर्फी हाँ, बर्फी वाला है, बर्फी वाला तो लेना बनता ही है। तो चलिए अब चलते हैं दुकान के अंदर, एंटर मारते हैं। एक लस्सी और समोसे होंगे आपके पास? समोसे को भी नहीं बनाते, अभी नहीं बनाते। कब से समोसे बनाना चालू करोगे? समोसे में भी टाइम लगेगा, लड़के नहीं हमारे पास समोसे को। और आपकी एक और ब्रांच मुंडका में भी है? मुंडका में है, मोटल में, मोटली में, सुमाल का, और सब आठ ब्रांच है टोटल। आपकी एक और ब्रांच कहाँ पर है? मुंडका है, ठीक है, मेन ब्रांच हमारी मुंडका है। अच्छा, उसके बाद हमारी एक कुंडली में टीडीआई मॉल में, उससे आगे एक मॉल है 51 माइन स्टोर, उसमें तीन उसमें मुरथल में है, ठीक है, एक समालखा में है, और एक वसंत कुंज के पश्चिम का। टोटल मिला के आठ आउटलेट हैं। और समोसे कब से स्टार्ट करोगे? और समोसे कब से आप स्टार्ट करोगे बनाना? समोसे का टाइम लगेगा, अभी लड़के से गए हुए गाँव आएंगे तो उसके बाद करते हैं। फिर हम अभी लस्सी टेस्ट करते हैं। तो भैया अभी आप दो लस्सी देंगे। लस्सी बहुत गाढ़ी भी है, लस्सी बहुत गाढ़ी भी है, और दोस्तों लस्सी पी के अच्छा लगा, और मेरे साथ भी पुनीत लस्सी का मजा ले रहे हैं। पुनीत बिल्कुल मजा आ रहा है। और शैलेश कैसी लस्सी? बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त बिल्कुल। कितने टाइम बाद टेस्ट करो लस्सी अली भाई? मैं तो 6 महीने बाद पी रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और शैलेश हमें भी इतना ही हो गया लगभग, लास्ट मुंडे का हमारी ब्रांच में गए थे हम लोग। हाँ, अभी हमारे घर के नियर भी है, और ये वाली ब्रांच जो हमारे घर से 2-2.5 किलोमीटर होगी। और शैलेश और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं, बस हम यही कहेंगे अपने व्यूअर्स को कि वो आए और ट्राई करें। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा ही सॉफ्ट है ये, बर्फी कम सॉफ्ट रोटी गंदा भी है। कैसी है भाई, कैसी है?
वाकई में आज पता चला कि इसका नाम बर्फी वाला क्यों है। पहली बार खाई ऐसी बर्फी, सही बताऊँगा। क्योंकि अभी ये ब्रांच नया चालू हुआ है और इनका एक और नया मेन्यू में ऐड हुआ है कढ़ी चावल, पंजाबी कढ़ी चावल, पंजाबी कढ़ी चावल। और टाइम मिलेगा तो हम एक दिन उसके लिए भी आएंगे। और बर्फी तो मतलब बिल्कुल लाजवाब थी, इतना सॉफ्ट कि मतलब बबल गम क्या मतलब बिल्कुल नहीं सॉफ्ट, वैसा तो हम घर पे भी नहीं बना सकते। और बाकी मज़ा आया, मतलब बर्फी तो एक नंबर है, मैं 9 रेटिंग देना चाहूँगा बर्फी के लिए। बिल्कुल भाई की तरफ से 10, पूरा भाई की तरफ से। मैं भाई नहीं ऐसी बर्फी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी ऐसी बर्फी पहली बार खाई। और लस्सी भाई, लस्सी भी फेमस है नाम से, बर्फी वाला मतलब बर्फी के लिए। और ये वाला आउटलेट है ना, ये पश्चिम बिहार के नेशनल मार्केट एरिया में बीरागढ़ी से जो बताया था बिल्कुल। और बाकी लिंक डायरेक्शन ये सब हम अपना ट्विटर पर डाल देंगे। हाँ कोशिश करेंगे कि हम लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दें। और आपको रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कुछ भी करें। और अगर मतलब कुछ बेकार लगे तो नीचे कमेंट जरूर करें, प्लीज हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा कि हम। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंद की जगह हम जाके ट्राई करें कैसा लगे तो प्लीज़ बताइए। और अगर आपके घर के आसपास आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसी फेमस शॉप है, दुकान है, स्ट्रीट है, जो भी फेमस है, हम वहाँ पे भी आना बिल्कुल पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप हमें आपके कमेंट में जरूर बताइए। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।